इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर लॉकडाउन से हमने क्या पाया? सवाल यही उठता है कि जिस लॉकडाउन से करोड़ों लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ, क्या वाकई हमने लॉकडाउन से कुछ पाया है या पिछले तमाम फैसलों की तरह कीमत इस देश के ही आवाम को भुगतना पड़ेगा। उसी तरह एक और मुसीबत के समंदर में धकेल दिया गया था। तकरीबन 50 दिन के बाद कल से रेल का सफर भी शुरू होगा, बसेस भी जारी हो रही हैं, पर इन तमाम के पीछे हमने क्या पाया इसका भी जायजा जरूरी है। वैसे तो मीडिया के बारे में कुछ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सवाल सत्ता से पूछने की बजाय विपक्ष से पूछने का नया तरीका इस गोदी मीडिया ने ढूंढ लिया है। सिर्फ एक ही एजेंडे पर खबरों को चलाने वाले नफरत के सौदागर जब से मुकदमे दर्ज हुए हैं, थोड़ी अपनी आवाज को धीमी किए हुए हैं। खासकर महाराष्ट्र हुकूमत को इसके लिए मुबारकबाद पेश करनी होगी। जिस कदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाने वाले अर्णव गोस्वामी, अमीश देवगन और सुधीर चौधरी पर थोड़ी सख्ती बरतने के साथ ही प्यार मोहब्बत का एकता की बात करने लगे हैं। खासकर जी टीवी के सुधीर चौधरी तो मौलाना की तरह फजाइल बताने लगे। सुदर्शन चैनल पर एक कार्रवाई हो जाए तो चौहान के भी शायद सुधर जाए। हिंदू मुस्लिम एजेंडे को थोड़ा कम तो किया है, पर मोदी हुकूमत की जय जयकार में अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। टाइम्स नाउ ने एक सर्वे करने का दावा करते हुए कहा कि आज भी भारत में सबसे लोकप्रिय यानी पसंदीदा वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी को ही चाहते हैं। आपको यह भी बताना जरूरी है कि 130 करोड़ के इस देश में खास 600 लोगों की राय इन्होंने ली है और इनका कहना है कि तकरीबन 8% मोदी के चाहने वालों में इजाफा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि आज भी आप ये सियासत राजनीति लाना चाहते हैं जबकि देश इस खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अब आप ही सोचे 130 करोड़ के लोगों में सिर्फ 600 लोगों की राय ली गई जो मोदी को बेइंतहा चाहते हैं, पर क्या गोदी मीडिया के सर्वे से सच्चाई बदल जाएगी? सवाल तो लॉकडाउन पर उठाया जा रहा है कि कईयों की राय यह है कि जब लॉकडाउन का फैसला लेना भी गलत और लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला भी गलत, और शायद इस फैसले की कीमत भारत देश को और आगे भी चुकानी पड़ेगी। इल्मी दानिशवरों का कहना है कि जब लॉकडाउन लेना था तो अचानक रातों रात लेने की बजाय 8-10 दिन का वक्त लोगों को देते, जिसमें लोग अपने अपने मकाम पर पहुंचते, फिर इत्मीनान के साथ लोग अपने घरों में बैठते। अचानक लॉकडाउन जैसा खतरनाक फैसला 2 घंटे में लेना, जिसका नतीजा हम सब ने देखा, लोग घरों की तरफ पैदल निकल पड़े, जिसमें बूढ़े बच्चे औरतें यहाँ तक के हामिला औरतें भी निकल पड़ी। किस तरह से अपने घर पहुंचने के लिए 3 लॉकडाउन का ऐलान किया गया। जब भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया, मजदूर जहां कहीं भी थे सैकड़ों किलोमीटर चलकर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। क्या देश के प्रधानमंत्री आज जब सभी पार्टी के वजीरों को लेकर आज मशवरा कर रहे हैं, क्या उस वक्त मुनासिब नहीं समझा? लाखों मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, क्या कोई कोरोना मुतासिर है तो इसके कितने और खतरनाक हालात पेश आएंगे? क्या यह जो लॉकडाउन कोरोना मुतासिर के चैन तोड़ने की कोशिश थी नाकाम हो गई? भले हम अपनी कामयाबी का ढिंढोरा कितना ही पीटते रहे, पर सच्चाई यह है कि तमाम कोशिशों पर लॉकडाउन खोलकर पानी फेर दिया गया, रोजगार चला गया, मईशत डूबी, कारोबार ठप हुए, लाखों मजदूर अपने अपने घर चले गए, लाखों आज भी सड़कों पर है, कुछ मर गए, कुछ मरने की कगार पर है। अगर अब कारखानों को शुरू भी किया जाए तो मजदूर कहाँ है? क्या आपके कहने से तमाम मजदूर फिर से वापिस आएंगे जिन्होंने हजारों किलोमीटर का सफर चलकर तय किया हो? कुल मिलाकर देश बहुत ही मुश्किल दौर में है। जिस तरह लॉकडाउन को खोलने का फैसला लिया गया और आने वाले दिनों में फिर लाखों कोरोना मुतासिर पाए गए, जैसे कि कई माहिरीन का कहना है कि जून जुलाई में बड़े पैमाने पर कोरोना मरीज पाए जाएंगे, तब क्या फैसला लिया जाएगा? कैसे सही साबित किया जाएगा कि पिछला लॉकडाउन सही था या आने वाले दिनों में लॉकडाउन जरूरी है? राहुल गांधी ने कहा है कि आने वाले दिनों में फिर लॉकडाउन की जरूरत होगी, पर क्या कोई बता सकता है कि क्या मुल्क एक और लॉकडाउन के लिए तैयार है? देश की मईशत बर्बाद हो चुकी है, देश का अक्सर तबका भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका है, महंगाई आसमान छूने लगी है, आने वाले दिनों में 3 गुना महंगाई बढ़ने के इम्कान जाहिर की जा रहे हैं, लिहाजा गलत फैसलों की कीमत आवाम को ही क्यों चुकानी पड़ती है? ऐसा भी सवाल उठाया जा रहा है। भले अंधभक्त मोदी के हर फैसले से खुश होते हों, पर अब लोग खुलकर बोल रहे हैं कि लॉकडाउन का फैसला लेना और लॉकडाउन को खोलना भी शायद बहुत महंगा पड़ सकता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।